राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। तो बैक टू बैक वीडियोस चैनल पे आ रहे हैं बहुत कम गैपिंग के साथ में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल भी वीडियोज़ के बीच में गैप ना करूँ, एकदम कंटिन्यूएशन में वीडियोज़ लाता रहूँ आपके लिए। तो उसी कंटिन्यूएशन में आज जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो, एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी टॉपिक जो कि हमारी होली। थोड़ा सा मैं लेट हो गया, वैसे ये वीडियो मुझे पहले बनाना था, बट क्योंकि एकादशी लगी हुई थी किस तारीख की, तो उसकी कथा, उसके सब वीडियो थे, तो मेरे पास वीडियोज़ को मैनेज मैं नहीं कर पाया। तो इसीलिए होली का जो ये वीडियो है लेट हो गया, लेकिन फिर भी अभी होली में टाइम है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि होली कब है और होली की आपको पूजा वगैरह जो है वो कब करनी है। होली की जो फागुन पूर्णिमा है वो कब प्रारंभ हो रही है, फागुन पूर्णिमा कब समाप्त होगी, होली किस दिन खेली जाएगी, ये सारी जो बातें हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो होली जो है वो सब जानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय का एक त्यौहार है। तो सबसे पहले होली की, होलिका दहन की जो कथा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे DM किया था कि होलिका दहन की कथा भी बताइएगा शॉर्ट रूप, शॉर्ट फॉर्म में। तो बेसिकली जो ये कथा है वो है सतयुग की। सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा थे जो कि राक्षस प्रवृत्ति के थे, और उनकी जो पत्नी थी उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, एक संतान उनके घर में उत्पन्न हुई। और जब वो संतान उनके उनकी पत्नी के गर्भ में थी हिरण्यकश्यप के, तब पूरा जो 9 मास का समय था उन्होंने जो है आश्रम में व्यतीत किया, ऋषियों के बीच में, साधु संतों के बीच में, और भगवत भजन करते हुए उनका जो पुत्र है वो इस दुनिया में आया और उसका नाम उन्होंने प्रहलाद रखा। और गर्भ से ही भगवत भजन के कारण वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था, जो था पुत्र उनका वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था, और भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त भी हुआ प्रहलाद। और ये बात जब हिरण्यकश्यप को धीमे धीमे पता चलने लगी तो उसे ये बात खटकने लगी, क्योंकि वो एक असुरी प्रवृत्ति का राजा था और असुर के घर में भगवान का भक्त पैदा हो गया, ये उन्हें बात हजम नहीं हो पा रही थी। इसीलिए उन्होंने उनसे जितना हो सकता था उनको, प्रहलाद को सताने के लिए वो सब किया। उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि प्रहलाद जो है वो पूजा पाठ छोड़ दें, पूजा पाठ से अपना ध्यान हटा लें, भगवान विष्णु का नाम लेना छोड़ दें, उनको यानी कि उनके जो पिता है हिरण्यकश्यप उनको ही भगवान माने। पर वो इस चीज़ में असफल रहे, और इसी बीच में जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, होलिका को एक वरदान था, उनके पास एक शॉल था जिसे ओढ़ कर अगर वो अग्नि में बैठ जाती हैं तो उनको वो आग से जलती नहीं। तो उस वरदान का जो है हिरण्यकश्यप ने प्रयोग करना चाहा और अपनी बहन के साथ में छोटे से प्रहलाद को एक बड़े से आग के ढेर में बैठा दिया, लकड़ियों के ढेर में, और उसमें आग लगा दी। और नारायण की भक्ति के बल से जो होलिका हैं वो तो जल गई, जबकि उनके पास शॉल था, बट जो प्रहलाद थे वो नहीं जले, वो सकुशल रहे और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई, क्योंकि होलिका जो है वो बुराई का प्रतीक बताई गई है और प्रहलाद अच्छाई का प्रतीक बताए गए हैं। और उसके दूसरे दिन लोगों ने रंगों से खेलकर रंगों का त्यौहार मनाया, और इसी को हम होली के नाम से जानते हैं। होली बेसिकली जो ये साल में 3 सबसे बड़े त्यौहार माने गए हैं, होली, दिवाली, दशहरा, उन्हीं में से एक है होली। 3 दिनों तक चलने वाला एक त्यौहार होता है जिसमें होली होती है, जिस दिन होली जलाई जाती है, होलिका दहन किया जाता है, दूसरे दिन रंगों से होली खेली जाती है, और फिर भाई दूज के साथ में ये जो होली का पर्व ये समाप्त हो जाता है। तो साल 2024 में देखिए, होली पहले तो मनाई कब जाती है मैं आपको ये बता दूँ, फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन होली जो है खेली जाती है। तो साल 2024 में फागुन की जो पूर्णिमा है वो 25 मार्च को आ रही है, 25 मार्च को प्रारंभ है, हो रही है, तो मतलब 24 मार्च को रात से प्रारंभ हो जाएगी और 25 मार्च को चंद्र दर्शन होगा। तो जो फागुन पूर्णिमा है वो 25 मार्च की है, इसीलिए होली का जो दहन है, होलिका दहन का जो कार्यक्रम है वो 25 मार्च को किया जाएगा। होलिका दहन की पूजा 25 मार्च को की जाएगी, और इस साल होली
बहन वाले दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, पर वो इंडिया में नहीं दिखाई देगा। तो चंद्र ग्रहण जो है वो 10 मार्च को, सॉरी 10:23 से 3:02 तक रहने वाला है। इसका असर इंडिया में नहीं है, इसीलिए हमें उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और पूर्णिमा तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 24 मार्च को 9:56 पर प्रारंभ हो रही है, और 25 मार्च को 12:30 तक ये रहने वाली है। और इसी के चलते जो होलिका दहन है वो 25 मार्च को किया जाएगा। होलिका दहन जो है वो 24 मार्च को किया जाएगा, और जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है वो है 11:23 से 12:32 तक, ये शुभ मुहूर्त है। बाकी आप होलिका दहन कभी भी कर सकते हैं। और एक मैं बात बताऊँ, होलिका दहन हमेशा जो ऐसी रात्रि में करना चाहिए जो पूर्णिमा भद्रा रहित हो रही है उसमें किया जाता है होलिका दहन। भद्रा रहित पूर्णिमा में होलिका दहन किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग उसका शुभ मुहूर्त जो है वो है 24 मार्च को रात में 11:13 से 12:32 तक। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पर हो सकता है अलग अलग समय पर होलिका दहन किया जा रहा था। तो आपके शहर में जहाँ जब भी होलिका दहन किया जा रहा हो तब कर सकते हैं। दूसरे दिन होली खेली जाएगी, और ये पूरा जो होली का मैंने आपको सार बता दिया। 24 मार्च को होली मनाई जाएगी, 25 मार्च को होली खेली जाएगी। अपने अपने ठाकुर जी के साथ में होली मनाइए, घर की सफाई करिए। नेक्स्ट वीडियो जो मैं होलास्टक पे बनाने वाला हूँ, मतलब बना चुका हूँ, आपके साथ शेयर हो जाएगा 1 से 2 दिन में, होली के पहले हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट इन्फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन आपके साथ पूरी शेयर की जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्री हरिदास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।